आम बजट 2022-23 मंगलवार को संसद में पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। सभी राज्यों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार का हमेशा से ही बिहार पर विशेष ध्यान रहा है और लगातार काम भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों को एक समान नजर से देखती है। उन्होंने कहा कि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है, साथ ही एक और एम्स की स्थापना की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय आम बजट 2022 और 23 को पेश करेंगी। ऐसे में देश भर के तमाम जो राज्य हैं उन्हें केंद्रीय आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण काफ़ी अधिक फैल रहा था, जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे और सभी को इस बजट से काफ़ी खास उम्मीद है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों को एक समान देखती है और सभी राज्यों का बराबर ख्याल भी रखा जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार का बिहार से हमेशा लगाव रहा है, बिहार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर किया जाता है ताकि बिहार आगे बढ़ सके। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार जरूर बिहार को कुछ ना कुछ बेहतर पैकेज, बेहतर योजना देगी जिससे बिहार आगे बढ़ सके। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, पहले आप ये सुने। देखिए, केंद्र ने बिहार को हमेशा सहयोग किया है। आपने देखा होगा कि बिहार में एम्स की स्थापना होने जा रही है, बिहार में दरभंगा में हवाई अड्डा चालू हुआ है और बिहार के विकास के लिए आपने देखा होगा कि जो परिवहन मंत्रालय है आज कई क्षेत्रों में 4 लेन सड़कें बन रही है और ये सब बिहार के विकास में केंद्र का ये सहयोग है। और इसके साथ साथ विगत दिनों जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पूर्व एक समीक्षा बैठक की थी पूरे देश के वित्त मंत्रियों का, तो उसमें भी बिहार के लिए विशेष सहायता के लिए हम सबों ने अपनी बातें कही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के विकास में हमेशा जो केंद्र का सहयोग रहा है वो और बेहतर ढंग से दिखेगा। तो आपने सुना, बिहार सरकार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट बताया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को एक समान देखती है, सभी राज्यों को बेहतर पैकेज दिया जाता है। जिस राज्य में जिस चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है उस राज्य को उस तरीके का पैकेज दिया जाता है और बिहार को हर बार कुछ ना कुछ बेहतर मिला है और इस बार भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बिहार के जो तमाम राज्य हैं सभी कोरोना संक्रमण के कारण पूरा देश जो है वो परेशान था, ऐसे में लोगों को इस बजट से उम्मीदें काफ़ी अधिक है और केंद्र सरकार सभी की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को, पटना।